हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम इस चैप्टर में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। ठीक है ना, कौन सी वो साइंटिफिक टेक्निक्स आजकल आ रही है जिनका यूज किया जाता है। इसमें यदि आप फोकस करें, फर्स्ट टेक्निक बताई गई है ऑपरेशन रिसर्च। इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑपरेशन रिसर्च को डेवलप किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू ऑप्टिमाइज द डिप्लोयमेंट ऑफ वॉर, ताकि जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें आर्मी को तैनात किया जा सके। उस आर्मी को तैनात करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की गई थी वो टेक्निक्स थी हमारी ऑपरेशन रिसर्च की। तो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का यूज कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आर्मी को तैनात करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया गया था। ओके, सेकंड मैं बात करता हूं साइंटिफिक टेक्निक की, ये है लीन मैन्युफैक्चरिंग। दिस टेक्निक फोकस ऑन रिड्यूसिंग सेविंग वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। जब हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन करने पर जो हमारी सेविंग वेस्टेज होती है उनको रिड्यूस करने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग आई थी। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का यूज कर दिया जाएगा जब हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं, तो एट दैट टाइम सेविंग वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया गया था? जैसे वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप और एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इन सब के लिए इस लीन मैन्युफैक्चरिंग का यूज किया गया था। तो ये कैसी टेक्निक है जिसमें ओवर प्रोडक्शन की, जो ओवर प्रोडक्शन करने पर वेस्टेज होती है उसको रिमूव करने पर फोकस किया जाता है इस टेक्निक में। तो इस टेक्निक में किस पर फोकस किया जाएगा? ओवर प्रोडक्शन की वेस्टेज को रिमूव करने पर ध्यान दिया जाएगा। थर्ड है काइजन, है ना जी। इट इज ए जापानी वर्ड्स, ये एक जापानी वर्ड्स है जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटर। हम चेंज करेंगे किसके लिए? बेटर के लिए, हम अच्छे के लिए चेंज करेंगे। ये एक डेली एक्टिविटी है जिसमें जो हार्ड और डिफिकल्ट टास्क है उनको हटा, एलिमिनेट, खत्म कर दिया जाता है बाय एक्सपेरिमेंटिंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स को एक्सपेरिमेंट कर, ठीक है ना जी, किसको एक्सपेरिमेंट कर, साइंटिफिक मेथड्स को एक्सपेरिमेंट कर जो डिफिकल्ट टास्क हैं उनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, सिक्स सिग्मा, इट रेफर्स टू इंप्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन। इसके अंदर इफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाता है। किसको इंप्रूव किया जाएगा? इफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाएगा। किसको? रिड्यूस कर क्वालिटी वेरिएशन, जो प्रोडक्ट को बनाने में क्वालिटी में डिफरेंस आता है। वेरिएशन का मतलब डिफरेंस, जो प्रोडक्ट को बनाने में क्वालिटी में डिफरेंस आता है उस वेरिएशन को खत्म करना था, ताकि इफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। लास्ट इन जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है टू इंप्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट, जिसका मेन टारगेट होता है कि रिटर्न को इंप्रूव करना, यानी प्रॉफिट को इंप्रूव करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिटर्न को क्या कहेंगे? प्रॉफिट को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया जाएगा और कॉस्ट को रिड्यूस करने पर ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट दोनों डिफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन डिफरेंस को बहुत ध्यान से आप क्लियर कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। हमारा टॉपिक है कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है। एक मिनट, टाइम स्टडी इसलिए की गई थी ताकि ये डिसाइड कर सके कि एक वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है, और मोशन स्टडी इसलिए कंडक्ट की गई थी ताकि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको हटाया जा सके। तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट डिफरेंशिएट मीनिंग के बेस पर है। किस बेस पर है? मीनिंग। टाइम स्टडी कंडक्ट की गई थी टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को टारगेट टाइम कहते हैं। टाइम स्टडी इसलिए कंडक्ट की गई थी ये जानने के लिए कि एक जॉब को परफॉर्म करने
कंडक्ट की गई थी ये जानने के लिए कि एक जॉब को परफॉर्म करने का टारगेट टाइम क्या है, कितने टाइम में वो जॉब कंप्लीट हो जाएगी। मोशन स्टडी इसलिए कंडक्ट की गई थी टू फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर के टोटल मूवमेंट्स को जानना चाहते थे जब वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, समझे। तो टाइम स्टडी तो की गई थी ये जानने के लिए कि एक जॉब कितने टाइम में परफॉर्म की जा सकती है, और मोशन स्टडी इसलिए कंडक्ट की गई थी ये जानने के लिए कि जब वर्कर अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसके कितने तरह के मूवमेंट्स होंगे, समझ गए। सेकंड पर्पस, टाइम स्टडी का पर्पस ये था टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स ए फेयर डे वर्क फॉर द वर्कर। टाइम स्टडी कंडक्ट करने का पर्पस ये था कि ये जान सके कि एक वर्कर एक डे में कितने हावर्स वर्क करेगा, कितने घंटे वो वर्क कर सकता है, ये डिसाइड करने के लिए टाइम स्टडी कंडक्ट की गई थी। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी का पर्पस था टू एलिमिनेट वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको हटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए मोशन स्टडी की गई थी ताकि इफिशियंसी लेवल को इंक्रीज किया जा सके। और एट द एंड मेथड ऑफ कंडक्टिंग, जब टाइम स्टडी कंडक्ट की गई थी तो स्टॉप वॉच का यूज किया गया था, और जब मोशन स्टडी कंडक्ट की गई थी तो मूवी कैमरे का यूज किया गया था, ठीक है। तो टाइम स्टडी किससे कंडक्ट की गई थी, स्टॉप वॉच से, और मोशन स्टडी मूवी कैमरा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योर। इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि टेलर और फ्योर में क्या डिफरेंस है। फ्योर ने तो 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के लिए, और टेलर ने प्रिंसिपल भी दिए थे और साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी थी, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसर्न, डिफरेंस का बेस क्या है, कंसर्न। आप सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछता रहूंगा बीच में इसमें। कंसर्न, टेलर की टेक्निक अंडरलाइन कर लो, टेक्निक और प्रिंसिपल्स। टेलर ने दो चीज बनाई, डेवलप की, क्या क्या, एक तो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स। तो टेलर की टेक्निक्स और प्रिंसिपल तो वर्कर की इफिशियंसी से रिलेटेड है, समझ में आ गई बात। टेलर के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक है वो वर्कर की इफिशियंसी से रिलेटेड है, जो फ्योर के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट इफिशियंसी से रिलेटेड है। तो टेलर की टेक्निक और प्रिंसिपल तो किससे रिलेटेड है, और फ्योर के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट इफिशियंसी से रिलेटेड है, समझ गए। सेकंड लेवल, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज, टेलर ने जो अपनी स्टडी और अप्रोच स्टार्ट की वो लोअर लेवल से स्टार्ट की, किससे स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने वर्कर की स्टडी की थी। तो टेलर ने जो अपनी स्टडी स्टार्ट की वो लोअर लेवल से स्टार्ट की, और फ्योर ने जो अपनी स्टडीज पर अप्रोच स्टार्ट की वो हाईएस्ट लेवल से स्टार्ट की, कहां से स्टार्ट की, ठीक है। थर्ड डिफरेंस का बेस है एम्फेसिस, जोर देना। टेलर ने ज्यादा फोकस किया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि जब वर्क परफॉर्म किया जाएगा तो सूची उसका क्या बनेगा, टारगेट बनेगा। और फ्योर ने फोकस किया फंक्शंस ऑफ मैनेजर। अगर आपके याद हो फ्योर का मेजर कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस डेवलप किए थे, ठीक है ना, ये उनका कंट्रीब्यूशन था, बुक में लिखा हुआ है। तो उन्होंने फ्योर ने किस चीज पर फोकस किया, फंक्शंस ऑफ मैनेजर, क्लियर, फोकस। नेक्स्ट डिफरेंस का बेस है फोकस। फोकस में बताया गया टेलर लेट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स। टेलर ने इस बात पर फोकस किया कि जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको हटाया जाए। वेस्टफुल मूवमेंट्स का मतलब होने के बताया था क्या, अनप्रोटेक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट, खत्म किया जाए, जिससे वर्कर की एनर्जी को सेव किया जाएगा। किससे, इससे क्या होगा, वर्कर की एनर्जी सेव होगी, ठीक है ना। फ्योर ने फोकस किया डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, उन्होंने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया फॉर बेटर मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट बेटर हो सके। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन,
टेलर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था उन्होंने डेवलप की साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो टेलर ने क्या डेवलप किए, साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। फ्योल का मेजर कंट्रीब्यूशन था उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। समझ गए? तो भाई टेलर ने तो क्या डेवलप किए, साइंटिफिक टेक्निक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और फ्योल ने क्या डेवलप किए, फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। पर्सनैलिटी, नेक्स्ट डिफरेंस का बेस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस का बेस है पर्सनैलिटी। टेलर डेवलप ए पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट। टेलर की जो पर्सनैलिटी थी वो एक साइंटिस्ट के फॉर्म में थी, साइंटिस्ट के रूप में थी, और वो फेमस हुए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो टेलर की पर्सनैलिटी थी वो साइंटिस्ट की फॉर्म में थी और वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के उससे फेमस हुए। फ्योल, फ्योल डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ ए रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर। फ्योल जो डेवलप हुए, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई वो इस रूप में माने गए कि वो रिसर्चर हैं और प्रैक्टिशनर हैं। इट्स बिकम, वो किस नाम से फेमस हुए, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि एक बॉस होना चाहिए। टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया क्योंकि उन्होंने फोकस किया मिनिमम 8 बॉस पर। वो क्या कहते थे, कितने बॉस हो, 8 बॉस। तो टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया। फ्योल, फ्योल ने स्ट्रिक्टली यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया, ठीक है ना, क्योंकि वो कहते थे 1 बॉस पर 1 एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई के लिए क्या हो, 8 बॉस हो। तो टेलर ने तो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं किया क्योंकि टेलर क्या कहते थे कि 8 बॉस, उन्होंने 8 बॉस बताया, जबकि फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। एक्सप्लेनेशन, जो टेलर की टेक्निक्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में एक्सप्रेस की जाती हैं। जो टेलर की टेक्निक्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएंगी, और जो फ्योल की टेक्निक्स हैं वो जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएंगी। ओके, एप्लीकेबल, टेलर की जो टेक्निक्स हैं वो स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगी। जी, टेलर की जो टेक्निक्स हैं वो स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगी, और जो फ्योल की जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो हर एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल होंगे। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक, रेलिवेंस ऑफ टेलर एंड फ्योल प्रिंसिपल। अब ये देखेंगे कि टेलर और, अब तक तो हमने देखा था कि कंपैरिजन कर रहे थे टेलर और फ्योल में, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, एक समानता क्या है। फर्स्ट, द मेन एम ऑफ टेलर एज वेल एज फ्योल, टेलर और फ्योल दोनों का मेन एम था मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो दोनों में एक समानता क्या थी कि दोनों का टारगेट ये था कि मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। सेकंड, बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि वहां पर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर में क्या हो, कोऑपरेशन। मैंने कोऑपरेशन का मीनिंग बताया था, कौन बता सकता है कोऑपरेशन का मीनिंग बताया था? यस, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, लेकिन इच्छा से, अपनी इच्छा से एक दूसरे को कोऑपरेट करना। तो दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों कोऑपरेट होकर वर्क करें। थर्ड, बोथ गिव मोर इंपोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दोनों ने किसको इंपोर्टेंस दी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। एक जगह तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया गया था। जो एक मिनट सुनो, फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल इंडिविजुअल वो था सबोर्डिनेट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना, उस प्रिंसिपल में तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया गया। तो दोनों ने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इंपोर्टेंस दी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपोर्टेंस नहीं दी। बोथ सजेस्ट डिविजन ऑफ वर्क, दोनों ने ये कहा कि यदि आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो इससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा।
है जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क कि कंपनी ने टोटल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लो, स्मॉल यूनिट्स को वर्कर की इनकी क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने को दें, और जब एक बंदा बार बार एक ही जॉब परफॉर्म करेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। तो दोनों ने डिवीजन ऑफ वर्क को क्या किया, सजेस्ट किया स्पेशलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ बोथ आर यूज, दोनों द प्रिंसिपल ऑफ बोथ, दोनों के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं बेसिस फॉर रिसर्च। किस फील्ड में? रिसर्च की फील्ड में। दोनों के प्रिंसिपल्स को किस फील्ड में यूज किया जाता है? रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जब आप मैनेजमेंट स्टडीज में रिसर्च कर रहे हैं तो दोनों के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाएगा, समझ गए? जब मैनेजमेंट स्टडी के फील्ड में क्या कर रहे हैं आप? रिसर्च, तो दोनों प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। ये थे रेलेवेंस कि दोनों में क्या एक समानता है। नेक्स्ट टॉपिक खोल लें अपना, स्टार्टिंग में आ जाएं। इस तरह से एक बात कहूंगा मैं, मैंने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आपको कंप्लीट किए, एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स क्लियर की। अब आप सेकंड पेज पर आ जाएं इस चैप्टर के, नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। एक चीज कहना चाहूंगा, ये वाला टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक देखो कौन सा इससे सिग्निफिकेंस, इन दोनों में से एक टॉपिक बोर्ड में हर साल जरूरी आ जाता है, एक टॉपिक दोनों में से हर साल आ ही जाता है, ठीक है ना जी। तो अब आप फोकस कीजिएगा नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फर्स्ट फीचर से यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन को परवेसिव कहा गया। क्या कहा गया? जो कि हर जगह पाया जाता है, जो कि हर जगह पाया जाता है। पढ़िएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं आर यूनिवर्सल इन नेचर, वो यूनिवर्सल होते हैं। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, दे कैन बी अप्लाइड। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगे, भले ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज और नेचर अलग अलग क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह पर अप्लाई होंगे, चाहे ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो हर जगह ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, समझ गए? एक मिनट, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सल, जो हर जगह पर अप्लाई होंगे। जितनी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, बिजनेस ना हो, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। तो कहने का मतलब चाहे बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो लार्ज बिजनेस हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्या कहा गया? यूनिवर्सल कहा गया, समझ गए क्या? तो फर्स्ट पॉइंट यही बताया गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, परवेसिव है, जो हर जगह अप्लाई होंगे। जितनी भी ओल्ड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है सब जगह पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो लार्ज बिजनेस हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया गया, एग्जाम्पल पर फोकस कीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क जी अभी बताया था, और एक चीज मैं इस टॉपिक को बाद में ले रहा हूं, मेरा टारगेट यही है, अगर मैं आपको डिवीजन ऑफ वर्क ना समझाता तो यहां पर आपको दिक्कत होती, पहले बताना पड़ता। डिवीजन ऑफ वर्क बताया ना, कंपनी में टोटल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लो, स्मॉल यूनिट्स जो वर्कर को परफॉर्म करने को दो वो उनकी क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दो। तो अब इन्होंने यही कहा जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो अप्लाई होगा गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और क्लब में, एवरीवेयर हर जगह पर। केवल इनको अप्लाई करने का थोड़ा सा स्पेशल लेवल कम हो जाएगा, कहीं पर ज्यादा अप्लाई होगा डिवीजन ऑफ वर्क और कहीं पर कम अप्लाई होगा, लेकिन होगा अप्लाई हर जगह पर।
समझ गए? तो अनस क्या समझे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? यस, जोर से बोलो। मैंने डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल है, क्या ध्यान से भी सुन रहे हो? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है? किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा। जैसे एग्जाम्पल लिया, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा, बस कहीं पर ज्यादा हो जाएगा और कहीं पर कम हो जाएगा। ओके, समझ में आया? सेकेंड, जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है टू एक्शन, वर्क करने के लिए। एक्शन का मतलब वर्क, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको वर्क करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड, लेकिन ये प्रिंसिपल्स आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते। ये प्रिंसिपल आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे, बल्कि आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने अपना वर्क परफॉर्म करना है। समझ गए? क्या समझे मानसी? ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है आपको क्या देंगे? गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से वर्क, वो आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे किसी प्रॉब्लम का, बल्कि वो तो आपको गाइड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। किसी के याद है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यस, बने रहे कंपनी में, वहीं पर नहीं छोड़कर ना जाए। जो वर्कर, जो मैनेजमेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मैनेजमेंट मैनेजर है वो वर्कर को फिलिंग कराए कि आप कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए हैं, आप कंपनी में, उनके मन में ये फीलिंग लेकर आई जाए कि आप इस कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए हैं। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब पढ़िए एग्जांपल, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल है, कंसिस्ट ऑन गिविंग ए स्टेबल टाइम। ये बताता है कि एक एम्प्लॉइज को स्टेबल, स्थिर होने का कुछ टाइम दिया जाए ताकि वो सेटल हो जाए अपनी जॉब में। एक वर्कर को स्टेबल होने का क्या दिया जाए? कुछ टाइम दिया जाए। अब वो कितना टाइम होगा? वो टाइम हो सकते हैं 6 मंथ और 1 ईयर। ये चेंज होता रहेगा कंपनी टू कंपनी। क्लियर है जी? अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा, वो ये नहीं बता रहा कि आप वर्कर को लॉन्ग टाइम के लिए रखें। वो ये लॉन्ग टाइम के लिए रखने का मतलब है कि आप वर्कर को, कोई नया वर्कर आया कंपनी में, आप उसे स्टेबल होने का मौका दें। अगर आप स्टेबल होने का मौका नहीं देंगे तो वो चला जाएगा आपकी कंपनी में से, ठीक है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं एक्शन लेने के लिए। वर्क करने के लिए क्या देंगे? वर्क करने के लिए क्या देंगे? गाइडलाइन देंगे। समझ रहे हैं क्या आप लोग? मुझे तो लगता है आप समझ रहे हैं। क्या बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको क्या दे रहे हैं? कि आपको वर्क किस तरह से करना है, वो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है और आपका ये सॉल्यूशन है, वो तो आपको वर्क करने के लिए क्या देंगे? गाइडलाइन देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या बताया? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ये कहता है कि आप वर्कर को कंपनी में स्टेबल होने का मौका दें। अब वो स्टेबल होने का कंपनी टू कंपनी डिसाइड करेगी, कोई कंपनी 6 महीने देगा और कोई कंपनी 1 साल। आज यही मैं करूंगा दोनों पॉइंट्स का रिवीजन करने के बाद जल्दी से। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, हर जगह पर अप्लाई होंगे। ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होंगी सब में ये प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। क्लियर है? चाहे कंपनी क्या हो, छोटी हो बड़ी हो, ठीक है ना, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, हर जगह पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। जैसे इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल हर कंपनी में अप्लाई होगा। किसी कंपनी में बस चेंज होता रहता है, कहीं पर ज्यादा अप्लाई हो जाएगा और कहीं पर कम अप्लाई हो जाएगा। और एट द एंड लास्ट वाला क्या कहा गया? जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी वर्क को करने के लिए आपको गाइडलाइन देते हैं, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताते। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल ये कहता है कि वर्कर को कंपनी में सेट होने का टाइम जो से सुरक्षित कराएं कि आपकी जॉब सिक्योर है। अब ये टाइम किसी कंपनी में 6 महीने भी हो सकता है, किसी में 1 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आज हमने डिस्कस की मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, और उसके बाद हमने कंपैरिजन की टेलर और फ्योल की गुड कंपैरिजन किया और देखा कि उनमें क्या समानताएं होती हैं, इस चीज को भी हमने स्टडी किया। थैंक यू।